नमस्कार मित्रों, आज का विषय थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता है क्योंकि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं वो अपने अनुभव के आधार पर बना रहा हूं। ऐसे मरीजों का, ऐसे रोगियों का इलाज किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा नहीं करना चाहिए और ऐसे रोगियों को भी सजेस्ट कर रहा हूं, अगर निम्न लक्षण जो मैं आगे बताने जा रहा हूं आपके अंदर है तो आपके लिए आयुर्वेद चिकित्सा नहीं बनी हुई है, आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास मत जाइए प्लीज। नंबर एक, अगर आप लालची प्रवृत्ति के रोगी हैं, पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं। नंबर दो, अविश्वासी हैं, यानी कि आपको आयुर्वेद चिकित्सा पर विश्वास नहीं है। नंबर तीन, आयुर्वेद को चिकित्सा थेरेपी ना समझकर एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी समझते हो। नंबर चार, आप क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, अगर आपका रोगी क्रोधी है, बात बात में आपको आपकी आपको गुस्सा दिखाता है या अपने परिवार में गुस्सा दिखाता है या अन्यत्र भी गुस्सा दिखाता है, उसकी क्रोधी प्रवृत्ति है, तो ऐसे मरीज को त्याग दें। नंबर पांच, अवर सत्व का हो, जिसका सत्व इतना अच्छा ना हो, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा ना हो, जो बात बात में जो है अपने आप को निरी सिद्ध करने सोचता है, ऐसे मरीज को त्याग दें। नंबर छह, जो घर बैठे इलाज चलाता हो या घर बैठे इलाज चाहता हो, आपके द्वारा आपसे संपर्क के माध्यम से, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल साइट के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से घर बैठे चिकित्सा चाहता हो और वो आपके समीप नहीं, क्लिनिक पे आना चाहता, जांच के लिए नहीं जाना चाहता, आपसे आपको हिस्ट्री नहीं देना चाहता, सिर्फ आपसे मेडिसिनल ट्रीटमेंट चाहता है और वो घर बैठे, ऐसे मरीज का इलाज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। नंबर सात, जो गारंटी चाहता हो, जैसे आप कपड़ा व्यापारी के पास जाते हैं और कपड़ा खरीदते हैं और उससे फाइबर की गारंटी लेते हैं, अगर वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित, रोगी से संबंधित आपको अपनी पहली और दूसरी विजिट में आपसे गारंटी की अपेक्षा करता है तो ऐसे मरीज से को त्याग दें, उसकी चिकित्सा ना करें। नंबर नौ, आपके ज्ञान की परीक्षा लेता हो, अगर कोई आपके पास रोगी इस तरह आता है कि वो आपके ज्ञान को आजमाना चाहता है कि कितना ज्ञान है कितना नहीं है, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान अगर कहीं से मिल जाता है और उसी ज्ञान को वो आपके ऊपर आरोपित करता है, तो ऐसे ज्ञान ऐसे रोगी के से हाथ जोड़ लें और ऐसे रोगी की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद चिकित्सा नहीं बनी है। मैं सभी आयुर्वेद चिकित्सकों को निर्देशित करना चाहता हूं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे रोगी से बचे। नंबर दस, जो धैर्य ना रखते हो, जिनके पास धैर्य ना हो, जो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट चाहते हो, जल्दी होपलेस हो जाते हैं, ऐसे मरीजों का इलाज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आपकी चिकित्सा में अपना ज्ञान ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर देते हैं, आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप जो निर्देश दे रहे हैं, आप जो पथ्य का सेवन करते हुए आप उसको इजाजत दे रहे हैं, उसके विपरीत वो अपने ज्ञान को अन्य सोशल साइट से, विभिन्न डॉक्टरों से इन्वॉल्व करके उसमें इन्वॉल्व कर लेता है आपके ट्रीटमेंट में। ऐसे रोगी कभी सर्वदा सही नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। मेरी सभी आयुर्वेद चिकित्सकों से विशेष अनुरोध है और रोगियों से भी विशेष अनुरोध है, अगर आपके अंदर इन 10 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तो आप विनम्रता से मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आपके लिए आयुर्वेद चिकित्सा नहीं बनी हुई है। आयुर्वेद चिकित्सा एक संपूर्ण चिकित्सा है जो इन 10 लक्षणों के विपरीत अगर आपके अंदर गुण हैं तो आप निश्चित तौर पर आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। धन्यवाद।